हेलो पेट पेरेंट्स एंड पेट लवर्स एंड वेलकम बैक टू द टेल्स टेल। मैं हूं निधि और आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट लव्ड कैट ब्रीड्स इन इंडिया के बारे में। फ्रेंड्स, कैट्स रखने के कई सारे फायदे हैं, जिसमें से कुछ हैं। नंबर वन, कैट्स काफ़ी स्मॉल होती हैं तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू, कैट्स बहुत ही फ्रेंडली होती हैं और बहुत इंटरैक्टिव होती हैं, तो वो आपके घर में बहुत सारी लाइवलीनेस लेकर आएंगी। नंबर थ्री, कैट्स को आउटडोर एक्सरसाइजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और वो काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आउट ऑफ 44 रिकॉग्नाइज कैट ब्रीड्स हम बात करने वाले हैं टॉप 7 कैट ब्रीड्स के बारे में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग पेट वीडियोस। तो सबसे पहले हम जिस कैट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पर्शियन कैट्स। द क्वीन ऑफ कैट किंगडम अपनी बड़ी आंखें, राउंड फेस और इंटेंस ब्यूटी के लिए पर्शियन कैट्स सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कैट्स हैं। पर्शियन कैट्स का फर दूसरी कैट्स के कंपैरिजन में थोड़ा डेंस होता है और इसीलिए इनकी रेगुलर ग्रूमिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। दीज कैट्स में एक्ट अ बिट फसी और डिमांडिंग, बट ये मोस्टली काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है। ये एक मीडियम साइज़ की कैट हैं और इसीलिए आपके छोटे से अपार्टमेंट में भी बहुत कम्फर्टेबली रह लेती है। ये काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, जैसे कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, चॉकलेट, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वाइट कलर। अगर आप एक एक्जॉटिक कैट लेना चाहते हैं तो पर्शियन कैट्स का एक टॉय वर्जन भी आता है, जो नॉर्मल कैट्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है और उनका फर यानी कि उनका कोट भी थोड़ा शॉर्ट होता है। नेक्स्ट कैट ब्रीड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सियामीज कैट ब्रीड। ये कैट ब्रीड काफ़ी इंटेलिजेंट और एक्टिव होती है, इसीलिए दूसरे कैट्स के कंपैरिजन में ये बहुत शैतान भी होती है। इन्हें अपने ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद होता है। ये एक मीडियम साइज़ की कैट है, लेकिन अपने थिन लेग्स, स्मॉल पॉज, स्लैंट आइज और ट्रायंगुलर फेस होने के कारण ये देखने में दूसरी कैट से थोड़ी बड़ी लगती हैं। एक एक्टिव कैट ब्रीड होने के कारण ये अटेंशन सीक करती हैं और ऐसा ना होने पर एक छोटे बच्चे के जैसे रोने का नाटक भी कर सकती हैं। ये कैट अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन सिल्वर ग्रे कलर विद ब्लू आइज इनका सबसे डिस्टिंक्टिव कलर है। अगली कैट ब्रीड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मेन कून कैट ब्रीड। ये कैट ब्रीड अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में बहुत आराम से एडजस्ट कर लेती हैं। मेन कून एक मीडियम टू लार्ज साइज कैट होती हैं, पर अपने थिक कोट, राउंड आइज एंड बिग पॉज होने के साथ ये दूसरी कैट्स के कंपेरिजन में थोड़ी बड़ी दिखती हैं। पर आप इनके साइज पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये कैट्स कैरेक्टर में बहुत ही कूल और अडेप्टिव होती हैं। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये कैट आपके लिए बेस्ट फ्रेंडली कंपेनियन है। ये कैट्स मोस्टली सॉलिड कलर्स की होती हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, क्रीम एंड वाइट। अपनी लेड बैक पर्सनैलिटी के कारण ये कैट्स बहुत ही आराम से जहाँ चाहे वहाँ एडजस्ट कर लेती हैं और आपको बार बार आपके काम के बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करती हैं। हमारी लिस्ट में अगली कैट है बॉम्बे कैट। बॉम्बे कैट्स बहुत ही जेंटल, अफेक्शनेट और काम नेचर की होती हैं। इनका पैंथर के जैसा स्ट्रक्चर होता है विद ब्लैक कोट एंड गोल्डन आइज, और इसी वजह से ये थोड़ा सा मस्क्यूलर बिल्ड रखती है। एक फ्रेंडली कैट होने के साथ साथ इन कैट्स को ट्रिक देखना और सीखना बहुत पसंद है। स्मॉल टू मीडियम साइज होने का कारण ये कैट्स स्मॉल होम्स के लिए आइडियल पेट हैं। ऑल्सो दीज कैट्स आर एबल टू ईजिली अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड लाइफ स्टाइल्स। एक सोशल कैट होने की वजह से इन कैट्स को ट्रेन करना बहुत आसान है, और इनफैक्ट आप इनको लीश के साथ में वॉक्स के लिए भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कैट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हिमालयन कैट। हिमालयन कैट है आपकी अपनी पर्सनल लैब कैट। इनका कोट जो है ज़्यादातर वाइट और फॉन कलर में होता है। ये एक लविंग एंड लॉयल कैट हैं, जो ह्यूमन कंपेनियनशिप पे थ्राइव करती हैं। अगर इस ब्रीड की बात करें तो ये जनरली पर्शियन और सियामीज कैट की क्रॉस ब्रीड होती हैं। फ्लफी होने की वजह से कैट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, पर इसको दिन भर आराम करना और अपने ओनर की लैप में खेलना बहुत पसंद होता है। इस कैट को प्यार से हेमी भी बोला जाता है। ब्लू आइज और फेस पे कलरेशन इसका ट्रेडमार्क होता है, और दूसरे पेट्स के साथ ये काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं।
अपने यूनिक फीचर्स की वजह से ये कैट्स दूसरे कैट्स के कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इनकी क्यूटनेस बिल्कुल अनमैच्ड है। द नेक्स्ट कैट ऑन अ लिस्ट इज द अमेरिकन बॉबटेल। जस्ट लाइक द बॉम्बे कैट, इनका कोट जो है बहुत ही शाइनी होता है और इसी वजह से ये भी काफ़ी मस्क्यूलर कैट्स होती हैं। इस कैट का मोस्ट नोटिसेबल फीचर है इसकी टेल। इस कैट की टेल इसकी बॉडी साइज की 1/3 होती है और लॉन्ग कोट होने के कारण ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत ही यूनिक हो जाता है। एक स्मार्ट और प्लेफुल कंपेनियन होने के साथ साथ ये कैट अपने ह्यूमन फैमिली के लिए डिवोटेड होती है और उनके साथ पजल टॉयज, फेच एंड प्ले खेलना काफ़ी इंजॉय करती है। अगर इस कैट को एक वर्ड के अंदर में डिस्क्राइब किया जाए तो वो वर्ड होगा एलिगेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्पॉटेड कैट। जी हाँ, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बिल्ली भी कह देते हैं। द क्विंटेसेंशियल इंडियन कैट ब्रीड, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इंडिया में पाई जाती है और इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस में बहुत इजीली अडैप्ट कर लेती है। इसकी लॉन्ग टेल इसके बॉडी कलर से डार्क होती है और इसका शॉर्ट फर ग्रे स्पॉट्स में कवर्ड रहता है। इंडियन बिल्ली इज अ फ्रेंडली एंड लविंग कैट दैट विल ऑलवेज बी बाय योर साइड और इनको आप कभी भी अपने आसपास की सोसाइटी में देख सकते हैं। ये एक स्टर्डी कैट ब्रीड है जो इंडियन क्लाइमेट कंडीशन को इजीली हैंडल कर लेती हैं, फिर चाहे आप उसे इंडोर रखें या आउटडोर। अगर आप इस कैट ब्रीड को अडॉप्ट करना चाहते हैं और खरीदना नहीं चाहते तो आपको ये स्पॉटेड कैट्स आराम से किसी भी नॉन प्रॉफिट या एनिमल शेल्टर में मिल जाएंगी। विद दैट सेड, आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आप एक कैट को घर लाना चाह रहे हैं तो उसमें ये वीडियो आपकी हेल्प ज़रूर करे। अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम करते हैं अनबॉक्स, रिव्यू एंड रेकमेंड पेट प्रोडक्ट्स और बात करते हैं पेट से रिलेटेड कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे। एंड येस, प्लीज़ शेयर योर क्वेरीज एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं मिलूंगी आपसे जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए, लाइक आई ऑलवेज से, डू नॉट ट्रबल, जस्ट कडल योर पेट।